So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईकू के Z9 डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर रीसेट और शेडिंग का एक्सेस कैसे करेंगे। गाइस, अगर बाय मिस्टेक आपने कोई सेटिंग्स वगैरह ऑन कर दी है और उसे बंद नहीं कर पा रहे तो फोन के अंदर कुछ सेटिंग्स आती है जिसको आप सेटिंग्स को प्रॉपर सेटिंग्स को ही रीसेट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी डाटा वगैरह लॉस नहीं हुआ। एंड गाइस, इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रीसेट के जितने भी ऑप्शंस होते हैं आप उनको एक्सेस कैसे करेंगे, कौन से ऑप्शन से हमारा डाटा डिलीट होता है, कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे डाटा डिलीट नहीं होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिलहाल चलो डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं रीसेट और शेडिंग का एक्सेस कैसे करते हैं। गाइस, फोन के अंदर रीसेट और शेडिंग का एक्सेस आउट करने के लिए हम ओपन करेंगे अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग्स गाइस हमने ऑलरेडी ओपन करी है, आप चाहे तो अपने सेटिंग के सर्च बार में टाइप करेंगे रीसेट ऑप्शन तो सेटिंग इजिली अवेलेबल हो जाएगी, देन वहां से आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैनुअली फॉलो करना है स्क्रॉल करके नीचे आना है, इसमें एक सेटिंग्स मिलेगी सिस्टम का, जस्ट आप प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है रीसेट ऑप्शन, जस्ट आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपका ब्लूटूथ या फिर वाईफाई जैसे लाइक नेटवर्क्स है वो भी आपका कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट हो रहा है तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं। ऐप का परफॉर्मेंस अगर अच्छे से नहीं हो रहा है, मीन्स कोई ऐप वगैरह ओपन करो बार बार ब्रेक हो रहा है, मीन्स कट जा रहा है, तो आप उसको भी रीसेट कर सकते हो। बट ऐप में रीसेट करने में एक प्रॉब्लम होती है, जैसे व्हाट्सएप का अकाउंट आपने बनाया उसको लाइक नंबर्स से रीवेरीफाई करना पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखना। ये ऐप्स में जनरली देखने को मिल जाता है इस सेटिंग को एक्सेस करने से। थर्ड ऑप्शन है रीसेट ऑल सेटिंग, इसमें आपका कोई भी एप्स वगैरह पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितनी सेटिंग्स आपने करी हुई है ऐप लॉक लगाया, हाइड लगाया हुआ है या फिर आपने थीम वगैरह लगाई हुई है तो बाय डिफॉल्ट सारा कुछ हो जाता है तो इसमें डिलीट नहीं होता, और इसी से अगर आपने बाय मिस्टेक सेटिंग भी ऑन करी है वो भी फिक्स हो जाती है तो रीसेट ऑल सेटिंग का एक्सेस कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है फैक्ट्री रीसेट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि जो न्यू डिवाइस जितने भी आ रहे हैं उसमें माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो जब भी अपने फोन को आप कंप्लीटली रीसेट करते हैं तो माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन ना होते हुए ये सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं देता कि एसडी कार्ड को रीसेट करना है, फोन स्टोरेज को रीसेट करना कि नहीं, ये डायरेक्टली फोन स्टोरेज भी कर देता है। तो इसमें आपको जितना भी कंप्लीटली फोन के अंदर डाटा है सब कुछ डिलीट हो जाएगा, तो जब भी आप इसको एक्सेस करें तो अपने जितने भी अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोज, वीडियोस, एवरीथिंग कुछ भी हो जो इंपॉर्टेंट हो उसको आप बैकअप करके रखें ताकि आपको कुछ डिलीट हो जाए तो वापस उसको रिकवर कर सके, क्योंकि इसमें जो है रिकवरिंग का ऑप्शन नहीं होता। अगर आपने वैसे डिलीट कर दिया तो वापस रिकवर नहीं होता, जब आप बैकअप रखेंगे तभी आप रिकवर कर सकते हैं। आई थिंक आई समझ होंगे रीसेट और शेडिंग का एक्सेस कैसे करना था आईकू के Z9 डिवाइस के अंदर।